जिला पुलिस ने खूंटी शहर से सटे सारितकेल गांव के साकेटोली में 6 सितंबर को घटित नारायण सिंह मुंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी मंगरा हस्सा उर्फ राय हस्सा, मृतक का पड़ोसी तथा सरितकेल सिगिंटोला निवासी मंगरा पाहन उर्फ पका पाहन को गिरफ्तार कर ली है। राय हस्सा की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त टांगी बरामद कर ली है। पुलिस ने दोनों हत्यारापियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर ली है। बता दें कि इस कांड के एक और आरोपी सुखराम मुंडा को पुलिस ने पिछले 9 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस संबंध में एसडीपीओ अमित कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि पिछले 6 सितंबर को मुख्य आरोपी मंगरा हस्सा उर्फ राय हस्सा ने अपने अन्य 3 सहयोगियों के साथ मिलकर नारायण सिंह मुंडा के घर का दरवाजा खुलवाया और गोली मारकर तथा टांगी से काटकर हत्या कर दी थी। एसडीपीओ ने बताया कि जाँच के क्रम में ये पता चला है कि राय हस्सा मृतक नारायण सिंह मुंडा का पड़ोसी था। दोनों में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक होती थी। एसडीपीओ ने बताया कि घटना से 4 दिन पहले आरोपी राय हस्सा के भेड़ मृतक नारायण के खेत में चला गया था, जिसे लेकर दोनों में विवाद हुआ था। इससे पूर्व ग्राम सभा ने टुल्लू पंप चोरी के आरोप में गांव से बहिष्कृत कर दिया था। एसडीपीओ ने बताया कि कुछ दिन पहले ही आरोपी राय हस्सा की माँ का निधन हुआ था, जिसके अंतिम संस्कार में गाँव के लोग शामिल नहीं हुए थे। इन सब बातों का गुस्सा राय हस्सा के मन में था और यही कारण है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नारायण सिंह मुंडा की हत्या कर दी। एसडीपीओ ने बताया कि इस कांड का एक और आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। एसपी ने किया था एसआईटी का गठन। चूंकि घटना शहर से सटे गाँव सारितकेल में घटित हुई थी, इस कारण इस मामले में पुलिस काफी गंभीर थी। कांड के उद्भेदन व आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी अमन कुमार ने एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था, जिसमें खूंटी सदर थाना के प्रभारी पिंकू यादव, एसआई कामेश्वर कुमार, चंद्रशेखर पिंगुवा, रवि सोनी, सुधीर कुमार, राजेश हाजरा, भजन लाल महतो, अखिलेश कुमार समेत थाना सशस्त्र बल को शामिल किया गया था। टीम ने पूरी शिदत से कांड का अनुसंधान करते हुए 4 हत्यारोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर ली है। दिनांक 6 सितंबर को खूंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सारितकेल साकेटोली में नारायण सिंह मुंडा को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही हत्या करने के उपरांत गोली मारने के उपरांत उनके गर्दन पर भी धारदार हथियार से वार किया गया था। इस संबंध में मृतक के पुत्र सुनील मुंडा द्वारा कांड दर्ज कराया गया था। खूंटी थाना में हत्या का कांड दर्ज कराया गया था। इस कांड में एक खूंटी जिला पुलिस के एसपी साहब द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। उस गठित टीम द्वारा छापेमारी क्रम में पूर्व में दिनांक 9 तारीख को एक इस कांड के अपराधी सुखराम मुंडा को अवैध अग्निअस्त्र के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। फिर पुनः कल इस कांड में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम क्रमशः मंगरा हस्सा उर्फ राय हस्सा, उम्र 21 वर्ष, जो कि ग्राम सारितकेल साकेटोली का रहने वाला है, जो मृतक नारायण सिंह मुंडा का पड़ोसी भी है, और दूसरा व्यक्ति जो है मंगरा पाहन, जो कि इसकी उम्र 20 वर्ष है, जो ग्राम सारितकेल सिगिंटोला करने वाला है। इस संबंध में 2 अभियुक्त की और पहचान हुई है, जो अभी तक फिरार है। ये इनके पास से जो लोहे का टांगी बरामद किया गया, जिससे जो धारदार हथियार जिससे कारित किया गया था गोली मारने के बाद, और इस संबंध में जो हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है कि और अनुसंधान क्रम में बात सामने आई है, अभियुक्त द्वारा भी स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया है और अपना अपराध स्वीकार किया गया। मंगरा हस्सा का पड़ोसी जो मंगरा हस्सा और प्राय मृतक का पड़ोसी था और इनसे बातों बातों में अनबन हुआ करती थी अक्सर। हाँ, इस संबंध में दोनों ही पक्ष एक दूसरे से काफ़ी अनर्ट थे और अभी पिछले 3-4 दिनों पहले, मृतक घटना के 3-4 दिन पहले भी भेड़ द्वारा जो अभियुक्त है, इसके भेड़ द्वारा जो मृतक है उनके खेत में चर जाने के कारण काफ़ी वाद विवाद हुआ था और इसी तुतु मैमे के उपरांत ये जो मुख्य अभियुक्त है राय हस्सा अपने सहयोगियों के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के तहत मृतक के घर में रात में लोग गए और खुद दरवाज़ा खुलवाकर हड़िया मांगने के प्रश्न पर, हड़िया मांगने के सवाल पर दरवाजे को खुलवाया गया और खोलने पर मृतक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ में धारदार हथियार से भी उसको वार किया गया।